मंसूर धान मंडी में हर शुक्रवार को लगने वाला बकरा बकरी के हाट में उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। मुंह पर नहीं दिखे मास्क और नगरपालिका कर्मचारी भी अधिकारी बिना मास्क के बैठे हुए हैं और वह खुद नियमों की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं। कांग्रेस नेता कमलेश जैन द्वारा कहा गया नगरपालिका में भी इसी प्रकार से बिना मास्क के ही बैठे हुए हैं। कर्मचारी कांग्रेस नेता कमलेश लाला सोनी द्वारा कहा गया कि बड़ी संख्या में हर शुक्रवार को लगने वाला बकरा बकरी का हाट में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और कोरोना के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, पर जिम्मेदार है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रशासन द्वारा भी होली पर बड़े कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ऐसे बकरा बकरी के हाट पर भी प्रशासन को प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कांग्रेस नेता कमलेश जैन ने कहा ऐसी कई जगह है जहां पर नियमों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पर प्रशासन मलाई खाने की जगह पर ध्यान दे रहा है। कोरोना के नाम पर बस राजनीति की जा रही है और गरीबों पर चालानी कार्रवाई पुलिस और नगर पालिका द्वारा की जा रही है। नगर पालिका कर्मचारी अधिकारी और नेता पर कोई नियम का पालन नहीं करा रहे हैं। बस गांव के गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है और उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और सभी लोगों को समझना होगा क्योंकि कोरोना की बीमारी गंभीर है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बड़ी तेजी से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी आम लोगों से अपील कर रहा है मास्क लगाने की और रोको टोको अभियान के तहत पुलिस द्वारा भी मास्क बांटे जा रहे हैं। देखिए मंदसौर नगर पालिका में वर्तमान में स्थिति ये है कि सिर्फ अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा यहाँ अधिकारी खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नगर पालिका परिसर में आप जाके देख लीजिए, अधिकांश लोग बिना मास्क के कर्मचारी बैठे होंगे तो वहाँ कौन समझाने जाएगा। यहाँ सिर्फ नियम जनता के लिए है और वो भी आम गरीब जनता के लिए, न तो नेताओं के लिए न कर्मचारियों के लिए, सिर्फ आम गरीब जनता के लिए नियम। बकरी का हाट के प्रशासन और नगर पालिका के संज्ञान में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हो रही है, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका उसको करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दे रही है जहाँ पे मलाई खाने को मिल रही है, बाकी वहाँ पे जनता मरे तो मरे, उनको कोई लेना देना नहीं है। देखने महाराज कोरोना को देखते हुए कई जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है और त्यौहार जो होली का त्यौहार है केवल लगा दिया गया है, पर वहाँ पर जो भीड़ है वो इस तरह से वहाँ पर मास्क ना सोशल डिस्टेंस का कुछ पालन नहीं। एक तरफ नगर पालिका के कर्मचारी बिना मास्क वालों का चालान काट रहे हैं, पुलिस चालान काट रही है और वहाँ पे प्रशासन खुद वो हाट को बंद नहीं करवा रहा है, तो आप खुद देख लीजिए कि दोहरी नीति चल रही है आम जनता के लिए क्या और कुछ लोगों के लिए और क्या, सिर्फ राजनीति कोरोना के नाम पे मंदसौर नगर में सिर्फ राजनीति हो रही है, कोई बचाव कोई चीज का कोई पालन नहीं करवाया जा रहा है। नाम क्या आपका? कमलेश जैन। जहाँ तक मेरा मानना है कि धान मंडी क्षेत्र में जो पशु हाट लगता है वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आज भी एकत्रित हो रहे हैं और उस पशु हाट में बहुत अनियमितताएँ देखने को मिल रही है, ना वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही वहाँ पर प्रशासन किसी प्रकार की अपनी वहाँ पर कोई सहायता या मदद करने के लिए तैयार है। जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रशासन कहता है कि होली के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, होली के ऊपर प्रतिबंध लगे हम इसमें सहभागी बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पशु हाट में जो भीड़ एकत्रित हो रही है वहाँ भी प्रशासन को जाकर जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है।